बताइए कैसे आप सब लोग। रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो, बहुत ज्यादा बिगड़ चुका हो, कहीं से भी ना लग रहा हो कि ये रिश्ता कभी भी ठीक हो सकता है। हम कुछ भी कर लें ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, कोई और कुछ भी कर ले ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता, ये रिश्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अब इस केस में क्या करें ताकि वो जो रिश्ता है वो खूबसूरत बन सके। उस रिश्ते के अंदर आप अपनी एनर्जी किस तरीके से डालें, किस तरीके से अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार करें ताकि आप वो रिश्ता खुद से अपनी तरफ से खूबसूरत बना सकें। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे खराब हो सकता है। तो अब खराब रिश्ते को कैसे सही बनाना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ध्यान से समझनी होंगी। सबसे पहली चीज़, अगर कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब है तो यहाँ पर आपको रिश्ता ठीक करने के पहले खुद की हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को हील करें, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें, चैंटिंग करें, जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और अपने लिए आप ओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं, वो सेल्फ हीलिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आपको रिश्ता ठीक करना है तो सबसे पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा। आप ठीक होंगे, आपके अंदर से जो भी एनर्जी निकल रही होगी, आप जिस भी तरीके की वाइब्रेशन पर होंगे, जिस भी तरीके की फ्रीक्वेंसी होगी, उसी तरीके से आप सामने वाले इंसान को उस रिश्ते के अंदर वो एनर्जी भेज सकते हैं जो आपके अंदर से निकल रही होगी। इसलिए खुद को हील करना, खुद को पॉजिटिव करना, खुद को शांत रखना, खुद को हैप्पी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ही खराब या बहुत ही अच्छा या कैसा भी बस रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को हील करने की पूरी पूरी कोशिश करें, पॉजिटिव रह के, अफर्मेशंस देकर, मेडिटेशन करके, होपोनोपोनो प्रेयर करके। और ये प्रोसेस में आपको बहुत जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए, करीब 1-1.5 महीने का टाइम आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हीलिंग के लिए ही लगाएं। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा आपको समय लगे। जब तक आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी ना फील होनी शुरू हो, तब तक आप रिश्ते को हील करने के लिए बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। पहले आप खुद को हील करें। जब आपको लगे कि आप हील हो चुके हैं, आपको अच्छा महसूस होता है, आप पॉजिटिव हो चुके हैं, जब आपको ये अंदर से महसूस होना शुरू हो जाए और ये जो चीज़ है, ये पॉजिटिविटी वाली चीज़ है, हैप्पीनेस वाली चीज़ है, रिलैक्सेशन वाली चीज़ है, कुछ दिन तक आपके अंदर चलती है, इसके बाद में आप सामने वाली एनर्जी को लव वाइब्रेशन भेजना शुरू करें, उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू करें। जिस भी लेवल पे खराब हो, आपको खराब निकाल देना है, आपको उसकी नेगेटिविटी को निकाल देना है, आपको हर चीज़ को हटा देना है। आपको वहाँ पर क्या मैसेज पहुँचाना है, आपको वहाँ पर कैसी एनर्जी डालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ का ख्याल रखना है। जो चीज़ आप चाहते हैं उसके ऊपर ही आपको फोकस करना है। जैसे कि आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, तो यही आप अफर्मेशन दें, यही आप विजुअलाइज करें और यही आप सामने वाले इंसान को अपने मन से ये विचार भेजें कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। अब जब आप हीलिंग कर रहे हैं, उनको लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं, रोज बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो एक चीज का जरूर ख्याल रखें, चाहे दिन में कुछ भी हो, आपको उस रिश्ते को लेकर के और अपने आप को लेकर के नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर हीलिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी और उसमें टाइम लग जाएगा। इसलिए जब आप सामने से रिश्ते को भी हील कर रहे हैं तो समय दीजिए। जैसे खुद को आप हील करने के लिए 1-1.5 महीने का समय जरूर लें, और भी ज्यादा अगर ले सकते हैं तो जरूर लें। उसके बाद जब सामने वाली एनर्जी के साथ में आप हीलिंग कर रहे हैं, यानी कि अफर्मेशंस दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तब भी आप ज़रूर समय दें। समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना इसको पेशेंटली करते हैं, जितना ज़्यादा समय दे करके करते हैं, आप तो खुद ब खुद और ज़्यादा हील होते ही चले जाते हैं। और वो जो हीलिंग होती है, क्योंकि आप अंदर से बहुत रिलैक्स हैं, आप खुद ही हील्ड हैं, तो आप हीलिंग वाली एनर्जी को भेजते हैं, सामने वाली एनर्जी को वो कैच करने में उतना समय लग सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी होती हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी होती है। और कभी कभी ये सिर्फ दो एनर्जीज के बीच में नहीं होता, उसके आजू बाजू भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो उसके अंदर नेगेटिविटी डाल रही होती हैं। तो अगर आपको हीलिंग करनी है तो प्रॉपर समय दे के करें, अपने आप को भी हील करें और सामने वाला जो रिश्ता है जिसे आप हील कर रहे हैं उसे भी
समय दें। बहुत जल्दी जल्दी मचाते हैं लोग और फिर उसके बाद में वो रिजल्ट्स देखने लगते हैं तो हीलिंग नहीं हो पाती है। जब आप इस तरीके से कर लें, आपने खुद को हील किया, सामने वाले इंसान के साथ में अपने रिश्ते को हील किया, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दी, पॉजिटिव एनर्जी दी, पॉजिटिव सोचना शुरू किया, लव वाइब्रेशंस दी, उसके बाद जब आपको ये लगना शुरू हो कि अब मुझे ये करते हुए भी बहुत रिलैक्स लग रहा है और मुझे अंदर से फील हो रहा है कि ये चीज़ हो चुकी है, बहुत अच्छे से हीलिंग हो चुकी है, मुझे मुस्कुराहट सी आ जाती है जब मैं ये करती हूँ। क्योंकि शुरू शुरू में हो सकता है हीलिंग के टाइम पे रोना आए, दुख लगे, लेकिन वो जब हीलिंग प्रोसेस आगे आगे चल करके कंप्लीट होता है तो वही खुशी में बदल जाता है क्योंकि हीलिंग हो चुकी होती है। अगर आपको अंदर से लगना शुरू हो जाता है कि जो हीलिंग है वो हो चुकी है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे पॉजिटिव लग रहा है, उसके बाद धीरे से उसे यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दें कि मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने मेरी पूरी कोशिश कर ली, मैंने अपनी जान लगा दी, मैंने अपना 100% दे दिया और मुझे पता है कि ये हो चुका है। इस विश्वास के साथ में उसे पूरी तरीके से छोड़ दें, पूरी तरीके से छोड़ दें, ये किए बिना कि आप इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं, अरे कुछ आया ही नहीं, अरे कोई मैसेज ही नहीं आया, अरे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, अरे मुझे तो कुछ भी बदलाव नहीं दिखा। अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो यकीन मानिए, ना तो आप खुद हील हुए थे और ना ही आपने रिश्ते को हील किया है। आपको रिजल्ट्स नहीं देखने हैं, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको पूरा पूरा समय देना है, आपका डिवाइन टाइम आएगा और वो जो चीज़ है वो पूरी हो जाएगी। आप जितनी नेगेटिविटी कम डालेंगे, जितने रिजल्ट्स को कम देखेंगे, जितना उस चीज़ के ऊपर कि वो हुआ नहीं, हुआ नहीं, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, सबका हुआ, मेरा नहीं हुआ, ये सब कुछ करेंगे तो आप अपनी तरफ से ही सिर्फ ब्लॉकेजेस डालेंगे और फिर प्रोसेस जो है वो डिले हो जाएगा, डिवाइन टाइम भी पीछे चला जाता है अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं। अगर आप छोड़ रहे हैं तो पूरी तरीके से छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद में अपनी दूसरी चीजों के ऊपर लग जाइए, दूसरी चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, अपनी और ज्यादा हीलिंग करिए ताकि वो जो एनर्जी है वहां तक पहुंचने में ज्यादा समय ना लगे और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी आए। तो इस तरीके से आप खराब से खराब रिश्ते को, बर्बाद से बर्बाद, अगर पूरी तरीके से भी टूट रहा है रिश्ता, लव वाइब्रेशन से इतने सारे लोगों ने एकदम टूटे हुए रिश्तों को भी ठीक किया है, तो आप भी ये कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में अपनी हीलिंग, अपने आप को समझाना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में करना, अंदर से रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप जैसा फील कर रहे होंगे वही एनर्जी आप उस रिश्ते में भी डाल रहे होंगे। तो अगर आप भी खराब रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरीके को, इस मेथड को इस तरीके से अपना के आप खराब से खराब रिश्ते को भी अच्छा कर सकते हैं। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से खींचे ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।